हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे पिछले कुछ घंटों में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, पिछले कुछ घंटों से क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन के दिल और दिमाग में, यही देखने की कोशिश करेंगे। निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं। ओके व्यूवर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए है। आपका जो भी जोडियक साइन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी देख सकती हैं और आप किसी भी अपने पार्टनर को अपने माइंड में सोच कर देख सकती हैं। आप अपने एक्स के लिए देख सकते हैं, अपने नेक्स्ट पार्टनर के लिए भी देख सकते हैं। और अगर आप प्रेजेंट में किसी के साथ किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो आप उसके लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टनर के लिए भी देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई तो मकसद है इस रीडिंग तक पहुँचने का, और हो सकता है आपके मन में कोई डाउट हो जो इस रीडिंग के ज़रिए आपका वो डाउट क्लियर हो जाए। तो लास्ट तक बने रहें इस रीडिंग पर। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो आए हैं फाइव ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, द एम्परर, सिक्स ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ वैंड्स एंड टेन ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ ना हमारे पास द एम्प्रेस एंड द एम्परर भी आ गया है, तो यहाँ ना पेयर बन गया है। ऐसा लगता है आपके पार्टनर की एज ज़्यादा है बट वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, लीडरशिप क्वालिटीज़ कमाल की हैं, एक्शन लेने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं, फौरन ही झटपट एक्शन ले लेते हैं ऐसा लगता है। और किसी की भी हेल्प करने के लिए पर्सन रेडी रहता है और इसका गुस्सा भी तेज़ हो सकता है, ये लड़ने भिड़ने के लिए भी रेडी रहते हैं। और अगर कोई आपके बारे में कोई गलत बात बोल दे ना, तो ये पर्सन उस वक्त ही क्लियर कर लेते हैं, आपकी साइड लेते हैं। ये पर्सन आपको द एम्प्रेस के रूप में देखते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में ना वो सारी ही क्वालिटीज़ हैं जो इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं और इस कदर अट्रैक्ट हैं ना कि इनको ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जब से इसकी ज़िंदगी में आए हैं ना, इसकी ज़िंदगी सवर गई है। पास्ट में अगर देखा जाए तो ये पर्सन फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में रहा करते थे। इस पर्सन ने अपना सब कुछ खो दिया था बट आपके आने के बाद इस पर्सन की ज़िंदगी कंप्लीट हो गई है। ऐसा लगता है यहाँ आप दोनों किस्मत से मिले हैं, क्योंकि यहाँ विल ऑफ फॉर्च्यून भी आ गया है एंड सिक्स ऑफ वैंड्स भी आ गया है। इस पर्सन को आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, इस पर्सन को अपनी लाइफ कंप्लीट लगती है आपके साथ होने से ही। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं ऐसा लगता है। और अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में है ना, तो ये पर्सन आपको अपने लिए परफेक्ट मानते हैं। हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं, टाइम टू टाइम प्यार जताते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता। बट ये पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारी इमोशंस फीलिंग हैं जो इस पर्सन ने छुपा रखी है अपने दिल में। बट इस पर्सन की एक नेगेटिव साइड भी है, ये काफ़ी ईगोइस्टिक हैं और जल्दबाज नेचर तो इनका है ही, ये काफ़ी घमंड भी करते हैं अपने ऊपर। इनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो लीडरशिप क्वालिटी है इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको सबसे अलग बनाती है। और इस वजह से ये पर्सन ना आपसे भी कभी कभी फाइट कर लेते होंगे। बट हाँ, इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ होती है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ इसको उस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, तो ये पर्सन अपनी गलती को रियलाइज़ भी कर लेते हैं। और ऐसा लगता है ये पर्सन ना पिछले कुछ घंटों से अपनी की गई गलती को याद कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए इस पर्सन को, और ये इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए रेडी हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अगर इन्होंने कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से आप नाराज़ हो गए हैं या आप उखड़े उखड़े से रहने लगे हैं इनसे। इस पर्सन को आपकी नाराज़गी अच्छी नहीं लग रही है ऐसा लगता है। यहाँ एट ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आया है एंड टेन ऑफ वैंड्स भी आया है। ये पर्सन आप दोनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम है। इस पर्सन के लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस पर्सन को कभी मिला ना हो। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी खुशियां देखी हैं और इसने बहुत सारा ऐसा गम भी देखा है। एक वक्त ऐसा भी आया था इस पर्सन पर कि इस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि ये बहुत नेगेटिव हो गए हैं, अब इस नेगेटिविटी से निकल नहीं पाएंगे। बट जब से आप इसकी लाइफ में आए थे, आपने इन्हें नेगेटिविटी से बाहर निकाला
और उस दुख से इनको बाहर निकालने में इनकी काफ़ी मदद की है। आपके प्यार ने इनका दिल जीत लिया और ऐसा लगता है कि पिछले कुछ घंटों से ये वही सारी बातें सोचे जा रहे हैं। अगर आपसे नाराज़ हैं तो ये आपकी नाराज़गी इसलिए भी दूर करना चाहते हैं क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। द हैंग्ड मैन को देखकर ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी गलती को रियलाइज़ कर पा रहे हैं और ये पर्सन बहुत जल्द ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर ये पर्सन आपसे नाराज़ हैं ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिनका पूरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी ना किसी रिलेशनशिप में हैं और किसी बात से रूठ गए हैं एक दूसरे से। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।